तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी स्टूडेंट लखनऊ विश्वविद्यालय के बीबीए में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, वो कैसे अपना काउंसलिंग कराएगा। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को चला जाना है, ठीक है। जैसे आप जाओगे तो ये इस पॉपअप को कट कर देना और एडमिशन कॉर्नर पे क्लिक कर लेना और अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल प्रोग्राम बीबीए और बीसीए, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग किसकी हो रही है, बीबीए की हो रही है, तो इस पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो इसमें एक ऑप्शन आएगा, इन्होंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, डायरेक्ट होम बटन पे क्लिक करके और यहाँ से उठा लेना, ये जो आ रहा है क्लिक हियर टू सबमिट योर चॉइस पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो एडमिशन के टाइम तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला था जिससे तुमने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। ये ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद जैसे ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे, डालने के बाद कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। उसके बाद से स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, ये लिखा होगा और पूरा मोबाइल नंबर लिखा होगा और नीचे यहाँ पे पेज पे क्या होगा कि एक डिटेल दिया होगा, ठीक है। तो ये देखने के बाद से तुम्हें क्या करना होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा बच्चों, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग फीस डिटेल पे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट का पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा, नेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, क्या किया क्या नहीं किया, और नीचे एक सबमिट बटन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इसे सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने एक ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा, देखो एक ऐसा स्क्रीन खुल के आ जाएगा फीस पेमेंट का, ठीक है, एक स्क्रीन खुल के आ जाएगा फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट का स्क्रीन खुलने के बाद बच्चों फिर ये डाउनलोड फीस रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद से फिर बच्चों आपको जाना है चॉइस फिलिंग पे, ठीक है, ये सबसे मेन काम है। अब चॉइस फिलिंग में देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये ऊपर के जितने सीट हैं, ठीक है, देखो बीबीए आईबी है लखनऊ विश्वविद्यालय में, बीबीए एमएस है, बीबीए टूरिज्म है और नॉर्मल एक बीबीए है यहाँ पे जो प्रेफरेंस में हमने दिया होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये काउंसलिंग में इस तरीके से दिया होगा, भैया मैं बीबीए आईबी सेलेक्ट करूं, एमएस सेलेक्ट करूं या टूरिज्म, तो जिन बच्चों को अगर 70 या 80 से कम नंबर है वो टूरिज्म वाला ऑप्शन चूज करना, जिनके नहीं कम है वो पूरा पूरा वही, मतलब पूरा पूरा क्या करना, चारों ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना। उसके साथ अगर आपका मन हो कॉलेज में पढ़ने का तो आप कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके विल के ऊपर डिपेंड करता है। करने के बाद बच्चों फिर आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड करोगे बच्चों, यहाँ पे आपका ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद बच्चों मतलब हमने ये पूरा भर दिया तो इस तरीके का ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर चाहो आप तो ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, तो जब तक आप लॉक नहीं किए रहोगे तब तक आप ऊपर नीचे ये ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही करोगे फिर यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू डालोगे, लॉक करोगे, जैसे एक बार आप लॉक कर दिए तो फिर दोबारा से ये एडिट नहीं होगा। फिर प्रिंट प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे क्लिक कर देना और फिर यहाँ पे तुम्हारा ये काउंसलिंग की पूरी रिसिप्ट आ गई बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बीबीए की काउंसलिंग आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से करा लीजिए। अब कब लास्ट डेट है बच्चों, तो लास्ट डेट लखनऊ विश्वविद्यालय ने हमें बताया है कि लास्ट डेट जो है वो 29 तारीख है, ठीक है। और बात कर लूं सीटों की, तो अकेले इस बीबीए कोर में 320 सीटें हैं। एक बार मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से ये सीट एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सभी में तो अलग अलग सीटें दिखाई गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी सीटें अलग दिखाई गई हैं, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हो आप, काउंसलिंग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अगर कोई इश्यू आता है बच्चों तो नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, कि कितना है, कैसे है, किस तरीके से होगा, तो ये चीजें हम लोग पूरा पूरा कंफर्म कर लेंगे। तो 180 सीटें जो है बच्चों आपके वो बीबीए में एनईपी में है, उसके बाद से 60-60 सीटें सभी में उसके हैं, ठीक है। तो टोटल 360 सीटें हैं आपके पूरे बीबीए में, 366 के लिए लगभग, तो कल हमने पूरा वो डेटा बताया था कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, क्या किया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काउंसलिंग करोगे तो आपको जरूर मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली बीबीए वाले बच्चों काउंसलिंग कर लो अपना अपना, ठीक है, पोर्टल खुल रहा है, पेमेंट भी हो रहा है, तो अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स से नीचे बता देना। थैंक यू सो मच बच्चों।